हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ रैपिड मेट्रो में, जो कि है गुड़गांव में। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसे कि ये रैपिड मेट्रो है, हमने ट्रेन बोर्ड कर लिए, अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी जर्नी के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रैपिड मेट्रो है, ये बेसिकली गुड़गांव में ही सिचुएटेड है, और ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ को कवर करती है, जो कि हैं जैसे साइबर सिटी और डिफरेंट कुछ सेक्टर्स हैं। तो बहुत इसका जो ट्रैक है दोस्तों, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये अभी हमारा बेसिकली गोल्फ कोर्स रोड की है, और यहाँ पे मेजरली सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ और ये सब आपको मिल जाते हैं देखने को। बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है इस मेट्रो को। और जो आपका दिल्ली मेट्रो है, उसका भी आपका टिकट और पास इसमें वैलिड होता है। ये दोस्तों सारा रेजिडेंशियल एरिया है और कॉर्पोरेट ऑफिसेस का एरिया है ये जो आप देख रहे हैं। ये गोल्फ कोर्स रोड ही है बेसिकली, और देख सकते हैं आप बिल्डिंग्स और काफ़ी ग्रीनरी को भी यहाँ बहुत ध्यान में रखा गया है। और ये बहुत ही अच्छे एरिया से बेसिकली पास ऑन होती है मेट्रो, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस मेट्रो में रश भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो फुटफॉल है इस मेट्रो में। अगर आप कभी भी आपको इसमें जाने का मौका मिला हो, आप डेफिनेटली जाके देखिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड एरियाज में जाती है इस वजह से। ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये है फेज़ वन। दोस्तों मेजरली आपको इस मेट्रो के रूट पे मेजरली आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज देख सकते हैं बहुत सारे, जो कि सिचुएटेड हैं गुड़गांव में, प्लस काफ़ी मॉल्स हैं और काफ़ी रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं जो कि आप इस मेट्रो के थ्रू देख सकते हैं। और बहुत ही इसका बहुत ही नॉमिनल सा फेयर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अराउंड ये 8 to 10 स्टेशन ओनली कवर करती है। ये आप देख रहे हैं MR की बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनी हुई है। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं सिकंदर। यहाँ पे इंटरचेंज होता है येलो लाइन और रैपिड मेट्रो लाइन के लिए। रोड देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं यहाँ पर, और मेजरली काफ़ी ज़्यादा आपको बिल्डिंग से बिल्डिंग्स दिखेंगी यहाँ पे, जो कि मेजरली कॉर्पोरेट ऑफिस का हब है। दोस्तों ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं, स्टेशन का नाम है फेज 2। तो अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे की ओर।
तो ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं साइड पर, इनका नाम है बेल्वेडेर टावर्स, जो कि इनका जो नियर बाय अब जस्ट हम मेट्रो जो हम पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट, उस स्टेशन के नाम है बेल्वेडेर टावर्स। आइए ये देखिए दोस्तों, ये है सारा साइबर हब, और जिसको हम साइबर सिटी भी बोलते हैं, और जो यहाँ मेट्रो स्टेशन है उसका भी नाम है इंडसइंड, जो कि साइबर सिटी में ही है। तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं इसको हम साइबर सिटी बोलते हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली आपका दिल्ली गुड़गांव और जयपुर हाईवे है बेसिकली, और आप देख सकते हैं, और ये सामने DLF की बिल्डिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये सारा साइबर सिटी का ही एरिया है। यहाँ पे आपको DLF की बहुत सारे बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, प्लस काफ़ी सारे मेजर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। और इस मेट्रो का सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों रैपिड मेट्रो की लाइन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं। देखिए आप, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए रैपिड मेट्रो,
बार भी हम फिर गोलपुर से उड़ पड़ेंगे दोस्तों। और ये जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है जहाँ से हमने कैच की थी मेट्रो, ये वही मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 42-43। नेक्स्ट स्टेशन जो है दोस्तों सेक्टर 52-53 होगा। आप देख रहे हैं सराउंडिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन कर रखा है इनको। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो यहाँ हमारी जर्नी होती है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।